देश के समझौते हो गए, देश के खंड हो गए, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए और जनता को पता भी है अब वो सत्ता नहीं है। अब वो सत्ता है कि जो खंड खंड किया था उसको हमें अखंड करना है। अब वो सत्ता है कि जो खंड किया था 370 उसको हटा करके हमने भारत को अखंड कर लिया है। थोड़ा सा बचा है पाप अधिकृत, वो भी हो जाएगा। संकल्प है, इस संकल्प के साथ हम आज भगवान ध्वज को राखी बांधेंगे, भारत माता को राखी बांधेंगे कि माँ तेरी अखंडता को बनाए रखेंगे। आप हमें सदैव संरक्षित करना, आप हमें सदैव संबल देना, आपका ये वैभव बनाने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। पराजय नहीं विजय, विजय और सिर्फ विजय का शंखनाद है। भव्य राम मंदिर बन गया, शिव जी के यहाँ उथल पुथल मची हुई है, बड़ी शांति से वहां भी हो जाएगी क्योंकि भगवान ने कहा भी हमारा मूड नहीं है प्रलय करने का, एकदम अच्छे से सब होने वाला है। मथुरा भी कहां दूर है और सब कुछ यहाँ आपके आसपास ही है, इसलिए हमारा बड़ा कर्तव्य है और वो कर्तव्य निभाने के लिए हम तैयार हैं।